पड़ रही है ना पीछे से। हैं उन शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। राकेश सेठी, DIG जम्मू रेंज, CRPF, श्री उसे हम मुक्ति शब्द कहते हैं, तो इसलिए उसका ये नाम रखा गया था कि ऐसे कर्म करे जाएं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी प्रेरणा को और बढ़ाने के लिए और इस परिसर को सब प्रस्ताव और सराहना सब कुछ होता ही जाएगा। हम भी चाहेंगे कि हमारे आसपास और हरियाली हो। कर रहे हैं हम वही जोड़ने की बात कर रहे हैं। CRPF की तरफ से बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है। यहाँ पर 160 वाहिनी जो चट्टा में है उनके द्वारा IMC के साथ मिलकर वृक्षारोपण का अभियान आज इनके प्रांगण में किया जा रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे लगाना हमारे भविष्य में आने वाले जो हमारे पीढ़ी है उसके लिए लाभकारी होगा। कोई भी व्यक्ति पौधा अपने लिए नहीं लगाता है कि वो उसकी छाया में बैठेगा। मुझे याद है वर्ष 2016 में भी मैं यहाँ जम्मू में पोस्टेड था और मैंने चट्टा में एक पेड़ लगाया था और उसको आज देख करके मुझे बहुत खुशी होती है कि वो काफ़ी बड़ा हो गया है और छायादार हो गया है। तो इसी प्रकार आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है हम उसको ये धरोहर दे के जा रहे हैं। और पेड़ों से हमें जो एक मेरा ये मानना है कि उनके विशाल काय स्वरूप से हमें दृढ़ता मिलती है, हमें ताकत मिलती है कि हम किस प्रकार से सुदृढ़ हो कर के आने वाले जितने भी तूफान हैं उनका सामना कर सकें। और पेड़ हमारे जीवन में खुशहाली लाते हैं, जैसे हमें हरियाली अच्छी लगती है, रेगिस्तान में भी हम ढूंढते हैं कि कहीं हरियाली नज़र आ जाए तो दिल खुश हो जाता है। तो इसीलिए पेड़ों को लगाना हमारा ध्येय होना चाहिए और सभी राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनको अपने अपने इलाके में जहाँ कहीं भी उनको पार्क है, अपने घर के पास है, वहाँ पर एक पेड़ तो अवश्य ही लगाना चाहिए। जय हिंद। हर संस्थान के लिए विशेष तौर पर मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि जम्मू के अनेक गणमान्य, चाहे वो CRPF के अधिकारी हों, चाहे वन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हों, या समाज क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, न्याय क्षेत्र से अनेक गणमान्य लोग यहाँ आए हैं और इस परिसर को उन्होंने ये इसलिए चुना है कि यहाँ पर पौधारोपण हो, वो पौधा आगे बढ़ के वृक्ष के रूप में हो और तमाम सारे जो उसके लाभ हैं। और इसीलिए आज बातचीत में आई कि एक पौधा राष्ट्र के नाम, एक पौधा देश के नाम, एक पौधा दुनिया के नाम, ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो दुनिया को हरा भरा और सद्भावपूर्ण, शांतिपूर्ण बनाने का ये भाव जो है वो मुझे लग रहा है कि यह सौभाग्य से हमको प्राप्त हुआ है और यहाँ से शुरुआत हुई है तो ये बात जो है दूर तलक जाएगी। जम्मू के लोग भी इससे प्रभावित होंगे और वहाँ अपने अपने घरों में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में वो पौधारोपण करेंगे। तो इसकी शुरुआत भारतीय जनसंचार संस्थान के जम्मू परिसर से हुई है। मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य और खुशी की बात है कि आने वाले दिनों में ये पौधारोपण का जो कार्यक्रम है और विस्तार लेगा और हमारा परिसर तो हरा भरा होगा ही, पूरी दुनिया, पूरा जम्मू कश्मीर यह हरा भरा हो, वनाच्छादित हो। और एक जो क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या, चुनौती जो दुनिया के सामने है उसका भी समाधान इस प्रकार की प्रक्रिया से, इस प्रकार के प्रयासों से